प्रयागराज में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। इस हत्याकांड से पूरा प्रदेश थर्रा उठा है। प्रयागराज के शिवराजपुर गांव में परिवार के 5 लोगों की धारदार हथियार से मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हत्या को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। अज्ञात बदमाशों ने एक ही परिवार के 5 लोगों की निशंस हत्या कर दी। मृतकों में पति पत्नी, बेटी, गर्भवती बहू और 2 साल की पोती है। हत्यारों ने 5 साल की बच्ची पर भी हमला किया, हालांकि वह बच गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिर्फ यही नहीं, वारदात के बाद हत्यारों ने घर में आग लगाने की भी कोशिश की। गाँव वालों को शक हुआ कि घर में आग लग गई है। गाँव वाले जब वहाँ पहुँचे तो देख कर सन्न रह गए। गाँव वालों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। ये बताएं कितने लोग यहाँ रहते थे, किसकी हत्या हुई, क्या वजह हो सकती है? 5 लोग। सर ये वजह हम लोग अगर जानते हैं तो जानते हैं तो क्या होती? अगर 24 घंटा के अंदर सच्चे कातिल का पता नहीं चला तो हम परिवार सहित यहाँ पर आत्महत्या कर लेंगे। इसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे DM साहब होंगे। सामूहिक हत्याकांड की खबर से पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया। डॉग गांव की तरफ 300 मीटर तक गए और फिर वहीं बैठ गए। ऐसे में पुलिस को शक है कि हत्यारे वारदात को अंजाम देने के बाद गांव की तरफ से ही भागे। ये सूचना पे तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, आला अधिकारी सब मौके पे पहुंचे। मैं स्वयं भी मौके पहुंचा हूं। यहां पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार, राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतिनियाँ और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसको कहें, वो 5 साल की हैं, वो जीवित हैं। इस प्रकार से 6 लोगों का ये जो यहाँ पे लोग रात में सो रहे थे उसमें से 5 लोग मृत हैं। एक बेटी 5 साल की है, वो जीवित है, उससे पुलिस उसको संभाल रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। घर के एक बेडरूम में आग भी लगी हुई थी जिसको दमकल के द्वारा बुझाया गया। हालांकि इस पूरी घटना पर अफसरों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वह इस बारे में कुछ ठीक ढंग से बता पाएंगे। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद भी तमाम चीजें निकल के सामने आएंगी कि मृत्यु कैसे कारित की गई। पैनल से पोस्टमार्टम कराएंगे, वीडियोग्राफी में कराएंगे, ताकि कोई सबूत छूटे नहीं और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। जहाँ इस पूरी घटना पर पुलिस अपना काम कर रही है, वहीं सियासी गलियारों में हलचल मच गई। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से यूपी पुलिस और सरकार को घेरने में लगे हैं। बसपा की अध्यक्ष मायावती ने लिखा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या किए जाने की खबर अत्यंत दुखदायक, निंदनीय व चिंताजनक है। सरकार घटना की तह में जाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करे। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा 2.0 के राज में यूपी डूबा अपराध, फिर आज का अपराधनामा लिखकर फोटो ट्वीट की। वहीं सरकार में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा है, प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या अत्यंत दुखदायी है। हत्याकांड की जांच कर दोषियों को कठोर सजा दिलाई जाएगी। सरकार दुख की घड़ी में परिजनों के साथ है। जिले के पुलिस अधिकारियों को हत्यारों की गिरफ्तारी सहित सभी जरूरी कदम उठाने और मदद के निर्देश दिए गए हैं। बहुत दुखद, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण यह घटनाएं दोनों हैं। पिछली बार भी 5 लोग अपने जीवन को खो करके यह जो घटना हुई थी उसमें तो यह पता चला कि वो जो परिवार के मुखिया थे उन्होंने अपने बच्चों को, पत्नी को मार करके आत्महत्या की है। इस दिशा में अभी जांच से यही पता चल रहा है। आज की जो घटना है वह भी बड़ी निर्मम और बहुत बर्बर घटना है। मैं इस घटना के जो भी दोषी हैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि उनको खोज निकाला जाएगा और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस अब जांच में जुट गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही पुलिस की फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले भी प्रयागराज में 16 अप्रैल की सुबह एक ही परिवार के 5 लोगों के शव घर में मिले थे। घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र के खागरपुर गांव की थी। पत्नी और 3 बेटियों को धारदार हथियार से मौत के घाट उतारा गया।